वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर ट्यूटर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में ओके okay? तो पहले लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सिग्नल क्या होता है ओके okay? तो वॉट इज सिग्नल सिग्नल एनीथिंग डेट कन्वेस और कैरी सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल ओके कोई भी चीज जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या फिर वो कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्नल बोलते हैं और यू कैन से इन अ टेक्निकल टर्म डेट सिग्नल कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्टेंस पोजिशन टेम्परेचर एंड प्रेशर ओके एंड इट मे डिपेंड्स अपॉन द अदर फैक्टर्स ऑल्सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिग्नल को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है ट्रैफिक सिग्नल ओके okay? समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल सो ट्रैफिक सिग्नल क्या है देखिए रेड लाइट होती है ग्रीन लाइट होती है और येलो लाइट होती है इसमें ओके okay? टाइम के साथ ये बदलता है रेड से ग्रीन कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ रेड से ग्रीन हो गया कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ ग्रीन से येलो हो गया ओके okay? तो ट्रैफिक सिग्नल क्या है ट्रैफिक सिग्नल इज अ सिग्नल डेट वेरिस विथ टाइम ओके ये टाइम के साथ चेंज होता है और हर एक कलर का हर एक सिग्नल का जैसे रेड सिग्नल का कुछ मतलब है ग्रीन सिग्नल का कुछ मतलब है और येलो सिग्नल का भी कुछ मतलब है रेड लाइट मीन्स स्टॉप ओके okay? ग्रीन लाइट मीन्स गो एंड येलो लाइट मीन्स स्लो डाउन और बी रेडी टू स्टॉप ओके okay? क्योंकि येल्लो के बाद रेड आता है इसीलिए येल्लो लाइट का क्या मतलब है कि आप धीमे हो जाइए और रुकने के लिए तैयार हो जाइए ओके okay? तो ये ये क्या है ये सिग्नल है ट्रैफिक ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल कैसे बदल रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है ओके okay? सो so, ट्रैफिक सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और हर एक सिग्नल आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है इसीलिए सिग्नल को क्या बोला जा रहा है एनीथिंग दैट कन्वेस और कैरीज सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल तो सिग्नल दो टाइप के होते हैं पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा क्या होता है डिस्क्रीट सिग्नल ओके एनालॉग सिग्नल क्या होता है देखिए व्हेन अ सिग्नल इज डिफाइंड कंटीन्यूअसली फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल और कंटीन्यूअस सिग्नल इज इट क्लियर और इस एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है ओके इन दिस डायग्राम अ सिग्नल XT इस डिफाइंड ये दिख रहा है आपको ये कंटिन्यूसली डिफाइंड है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम हर एक टाइम के लिए मान लीजिए टाइम एक्सिस है और ये सिग्नल है एक्स टी अब टाइम टी इज टू वन पे भी ये सिग्नल क्या है डिफाइंड है इसका कुछ एम्पलीट्यूड है ओके टाइम टी इक्वल टू टू पे भी ये डिफाइंड है टू पॉइंट टू पे भी इस सिग्नल की कुछ वैल्यू है ओके okay? इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं अग्नल एक्स टी इज डिफाइंड कंटिन्यूसली फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम टी सो दिस सिग्नल इज कॉल्ड विग्नल इज कॉल कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बोल रहे हैं और इसको कैसे डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टी से ओके okay? ये सिग्नल किसका फंक्शन है टाइम का फंक्शन है हर एक टाइम पे ये सिग्नल डिफाइंड है मतलब हर एक टाइम पे ये सिग्नल जो है आपका वो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है एम्पलीट्यूड रिटर्न कर रहा है बट डिस्क्रीट की बात की जाए डिस्क्रीट सिग्नल सिग्नल क्या होता है देखिए अ इज डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट ऑफ टाइम ओके और यू कैन से डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है यू कैन रिप्रेजेंट ए डिस्क्रीट सिग्नल एज एक्स ऑफ एन ओके सो इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है सिग्नल एक्स ऑफ एन इज डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट टाइम देखिए

then the signal is called discrete signal in this diagram okay in this diagram a signal x of n is defined only at discrete times okay therefore this signal is called as discrete discrete signal discrete signal and it is denoted by x of n okay x of n is a function of n okay एन की वैल्यू जीरो है तो ये डिफाइंड है एन की वैल्यू जीरो पॉइंट वन है तो ये डिफाइंड नहीं है सिर्फ डिस्क्रीट टाइम्स पे ही इस ये कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड रिटर्न करता है ओके okay? दो टाइम इंटरवल इंटरवल के बीच में ये कुछ रिटर्न नहीं करता है जैसे एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू टू हो गया इसके बीच की कोई भी वैल्यू आ जाए जैसे एन इक्वल टू वन तो सिग्नल क्या है डिफाइन नहीं है ये कुछ एम्पलीट्यूड रिटर्न नहीं कर रहा है आपको ओके okay. इसकी वैल्यूज क्या है एक्स ऑफ एनवल टू जीरो आगे देखते हैं आगे हम अब देखेंगे क्या इसके बारे में सिस्टम्स क्या होते हैं व्हाट इज सिस्टम बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर एंड इट टेक्स एन इनपुट सिग्नल process it and gives a, us an output in response to an input signal okay so system kya hota hai ye maan lijiye ye system hai okay ye raha apna system system kya karta hai input signal leta hai simple input signal leta hai इस पे कुछ process करता है मतलब operation perform करता है और हमें क्या दे देता है आउटपुट सिग्नल दे देता है okay? तो system क्या करता है सिस्टम अपना सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करता है किसका काम करता है सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करता है हम समझेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है ओके सो देखिए सिस्टम क्या होता है सिस्टम आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ओके okay? सर्किट का कलेक्शन है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये क्या करते हैं इनपुट लेते हैं सिग्नल ओके इनपुट सिग्नल आता है सिस्टम में सिस्टम क्या करता है उस इनपुट सिग्नल पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आपको आउटपुट दे देता है इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट सिग्नल ओके तो सिस्टम किस चीज का काम कर रहा है सिग्नल प्रोसेसिंग का काम कर रहा है तो सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है अब बात करते हैं हम लोग सिग्नल प्रोसेसिंग की देखिए सिग्नल प्रोसेसिंग मींस एनालाइजिंग एन सिग्नल सिग्नल को एनालाइज करने के बाद आप क्या करिए परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन सिग्नल ओके ये दो मतलब है ओके सिग्नल प्रोसेसिंग मीन्स परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन सिग्नल

ओके okay, तो देखिए एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में इनपुट क्या जाता है एनालॉग ओके एनालॉग इनपुट सिग्नल ओके एनालॉग इनपुट सिग्नल गया एनालॉग सिस्टम में या फिर आप ऐसे, ऐसे बोलिए ये क्या है अपना ये एक सिस्टम है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर ओके एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर ओके okay? एनालॉग इनपुट सिग्नल गया एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर में यहां पे क्या हुआ यहां पे हुआ एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग यहां पे क्या परफॉर्म हुआ एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग परफॉर्म हुआ ओके okay. और उसके बाद हमें आउटपुट पे क्या मिल गया आउटपुट पे हमें मिल गया एनालॉग आउटपुट सिग्नल एनालॉग आउटपुट सिग्नल तो यहां, से, यहां पे हमने क्या समझा कोई भी प्रोसेसिंग जो हम एनालॉग सिग्नल पे करते हैं ओके बाय द हेल्प ऑफ द एनालॉग सर्किट और बाय द हेल्प ऑफ द एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर इज कॉल्ड एज द एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग वैसे प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं बोलते हैं अब देखिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है यहां पे एनालॉग इनपुट सिग्नल जाता है एनालॉग एनालॉग इनपुट सिग्नल जाता है पहले कहां पे जाता है ये चीज ये जाता है ए टू डी कन्वर्टर में ओके मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाता है यहां पे जाने के बाद क्या होता है ये एनालॉग सिग्नल किस सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल में डिजिटल इनपुट सिग्नल ओके उसके बाद ये डिजिटल इनपुट सिग्नल किस में जा रहा है ये जाएगा आपका डिजिटल सिस्टम में यानी कि आप ऐसे बोलिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में ओके अब ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या करेगा इस डिजिटल इनपुट सिग्नल पे प्रोसेसिंग करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना मींस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या करेगा इस डिजिटल इनपुट सिग्नल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कोई कोई एल्गोरिम एल्गोरिमेथिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ओके okay? सो so, अब ये प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा डिजिटल आउटपुट डिजिटल आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा ओके डिजिटल आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा okay? डिजिटल आउटपुट सिग्नल को फिर से हम लोग क्या कर लेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हेल्प से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हेल्प से हम क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें एनलॉग एनालॉग आउटपुट सिग्नल एनालॉग आउटपुट सिग्नल तो ये क्या था ये था डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे की जाती है तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है हम लोग डिजिटल इनपुट सिग्नल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आउटपुट में क्या मिलता है डिजिटल आउटपुट सिग्नल मिलता है ओके okay? एनालॉग में क्या होता था एनालॉग इनपुट सिग्नल पे ऑपरेशन परफॉर्म करके और आउटपुट क्या मिलता था एनालॉग आउटपुट सिग्नल ओके बट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में दो सर्किट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं कौन से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर तो ये था अपना बेसिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ओके okay? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe our YouTube channel. Thank you.